नमस्कार। दिन की बड़ी खबरों के साथ मैं प्रतीक्षा हूं आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा, यानी कि अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए पिछले फैसले को पलट दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया है। दरअसल 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से यह तय किया था कि इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के चलते अब सांसद या फिर विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्यवाही से नहीं बच सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या फिर वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा, यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के फैसले को ही पलट दिया है। इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर अब मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के चलते अब सांसद या फिर विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्यवाही से नहीं बच सकते। दरअसल CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिए गए अहम फैसले में कहा कि विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या फिर रिश्वतखोरी को सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने विवाद के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है। क्या सांसदों को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस बात से हम स्वयं असहमत हैं और बहुमत से इसे खारिज करते हैं। नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसला आया है, जिससे रिश्वत लेने के लिए अभियोजन को छूट मिलती है। यह एक सार्वजनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता है। CJI ने कहा कि अनुच्छेद 105 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि अपराध करने वाले सदस्य वोट डालने से संबंधित नहीं है। नरसिम्हा राव के मामले की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194 के विपरीत है, इसलिए हमने पी नरसिम्हा राव मामले में फैसले को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 5 सदस्यीय पीठ ने इस केस के जुड़े मसले को व्यापक और जनहित से जुड़ा मानते हुए 7 सदस्यीय पीठ को सौंप दिया। तब कहा गया था कि यह मसला राजनीतिक सदाचार से जुड़ा हुआ है और यह भी कहा गया था कि संसद और विधानसभा सदस्यों को छूट का प्रावधान इसलिए दिया गया है ताकि वे मुक्त वातावरण और बिना किसी परिणाम की चिंता के अपने दायित्वों का पालन कर सके। दरअसल यह मामला झामुमो के सांसदों के रिश्वत कांड पर आए आदेश से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था। आरोप था कि सांसदों ने 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के लिए वोट दिया था। इस मसले पर 1998 में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, लेकिन अब 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। यह मुद्दा दोबारा तब उठा जब झामुमो के विधायक सीता सोरेन ने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि संविधान में उन्हें अभियोजन से छूट मिली हुई है। दरअसल सीता सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने 2012 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। अब रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया या सवाल पूछा तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे में छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सोमवार यानी आज 26 साल बाद यह फैसला पलट दिया। CJI DY चंद्रचूड, जस्टिस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, PS नरसिम्हा, JV पादरीवाल और संजय कुमार मनोज मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस PV नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या फिर वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। आपको बताते चले कि 1998 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3.2 के बहुमत से ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अब इस पर कोर्ट्स के क्या कमेंट्स आए हैं ये भी हम बता दें आपको कि CJI ने कहा है कि अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है, यह मायने नहीं रखता उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच। आरोप तभी बन जाता है जब जिस वक्त कोई सांसद घूस
स्वीकार करता है। बेंच ने आगे कहा कि संविधान के आर्टिकल 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए। दोनों अनुच्छेद का मतलब मकसद तब बेईमानी हो जाता है जब दूसरा सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट साफ हासिल नहीं है। बेंच ने कहा कि रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है, ऐसा करना सदन में वोट देने या फिर भाषण देने की जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है और हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारियों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और विधायक सीता सोरेन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा था। सीता सोरेन ने बचाव में तर्क दिया था कि उन्हें सदन में कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट हासिल है। सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में सीता सोरेन का पक्ष रखा। उन्होंने हाल ही में लोकसभा में एक बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी के अपमानजनक बयान का भी जिक्र किया और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वोट या भाषण से जुड़ी किसी भी चीज के लिए अभियोजन से छूट, भले ही वह रिश्वत या साजिश हो, पूरी तरह होनी चाहिए। हालांकि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सीता सोरेन के मामले को दूसरे मामलों से अलग बताया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग का सदन की कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है, इसलिए राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए रिश्वत लेने के खिलाफ सीता सोरेन का मामला कानूनी दायरे में आता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि रिश्वतखोरी को कभी भी अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत छूट के दायरे में नहीं लाया जा सकता। अपराध भले ही संसद या विधानसभा में दिए गए भाषण या फिर वोटिंग से जुड़ा हो, उसे सदन के बाहर अंजाम दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 दिन की कार्यवाही के बाद 23 अक्टूबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 22 जुलाई 2008 में लेफ्ट पार्टियों ने तब की UPA सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। वाम दल अमेरिका से जुड़ी न्यूक्लियर डील से नाराज थे, समर्थन वापस हुआ, UPA सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। सदन में वोटिंग के दौरान UPA सरकार जीत गई और इसी दौरान भाजपा सांसद महावीर भगोरा, अशोक अर्गल और फग्गन सिंह कुलस्ते ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराई। ये तीनों राजस्थान से सांसद थे। इन्होंने सांसदों का दावा था कि ये रुपए उन्हें UPA के फेवर में वोट करने के लिए दिए गए थे। CJI ने फैसला सुनाते हुए कहा, एक सांसद विधायक छूट का दावा नहीं कर सकता क्योंकि दावा सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 105 विचार विमर्श के लिए एक माहौल बनाए रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार जब किसी सदस्य को भाषण देने के लिए रिश्वत दी जाती है तो यह माहौल खराब हो जाता है। सांसदों विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसदों विधायकों पर वोट के बदले रिश्वत का मुकदमा चलाया जा सकता है। 1998 के PV नरसिंहा राव मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पलट दिया है। इसके बाद अब नोट के बदले वोट, सदन में वोट देने वाले सांसद विधायक कानून के कटघरे में खड़े होंगे। केंद्र ने भी ऐसी किसी भी छूट का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 105(2) या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है क्योंकि रिश्वतखोरी में संलिप्त सदस्य एक आपराधिक कृत्य में शामिल होता है जो वोट देने या फिर विधायिका में भाषण देने के लिए जरूरी नहीं है। अपराध तब पूरा हो जाता है जब सांसद या विधायक रिश्वत लेता है। इससे राजव्यवस्था की नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव होता है और हमारा मानना है कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारियों द्वारा संरक्षित नहीं है, इसमें बेहद खतरा है और इस वजह से ऐसा संरक्षण खत्म होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटते हुए इसे एक अपराध घोषित किया है। तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।